हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का जो लेसन फर्स्ट है केमिस्ट्री का, ठोस अवस्था, उसका लेक्चर नंबर 2। जी हाँ गाइज, इसका जो ठोस अवस्था है इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट हमने देख लिया है। उसमें पूरा प्रॉपरली हमने देखा कि ठोस अवस्था क्या होता है, हमने ठोस अवस्था की डिफिनीशन देखी, उसके अलावा हमने ठोस द्रव गैस पे भी बात की, और उसके अलावा जो ठोसों के प्रकार होते हैं क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय उनकी डिफिनीशन देखी, उसको अच्छे से डिफाइंड किया। उसके अलावा हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर भी देखा। तो गाइज, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम अक्रिस्टलीय ठोस को छोड़ देंगे वहीं और आपके सिलेबस के अनुसार क्रिस्टलीय ठोस को आगे बढ़ाएंगे और इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जी हाँ गाइज, इस वीडियो में हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पूरा पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार है और उनकी पूरा का पूरा डिफिनीशन भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन गाइज, उससे पहले कहूँगा, अगर आप हमारी पिछली वीडियो इसका जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर चैनल पर भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए देखिए क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, देखिए क्रिस्टलीय ठोसों में विभिन्न प्रकार के आंतरिक बल पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि वांडरवाल बल, आयनिक आबंध, ससंयोजक आबंध या फिर धात्विक आबंध, जिसके आधार पे इसी इन्हीं बलों के आधार पे क्रिस्टलीय ठोसों को निम्न चार भागों में बांटा जाता है, ठीक है। और वो चार भाग यानी चार प्रकार निम्न हैं, आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट है आणविक ठोस, ठीक है, सेकंड है आयनिक ठोस, थर्ड है धात्विक ठोस, और चौथा है चार नंबर सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, ठीक है। ये चार प्रकार है क्रिस्टलीय ठोसों का, ठीक है दोस्तों। देखिए, आप लोग का एक टॉपिक है आप लोग की एनसीईआरटी बुक में कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, वर्गीकरण मीन्स प्रकार होता है, यानी क्रिस्टलीय ठोसों का प्रकार, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम पूरा अच्छे से पढ़ते हैं, एक एक डिफिनीशन अच्छे से देखते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन गाइज, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, जी हाँ गाइज, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश सबका नोट्स आपको हैंड रिटेन हमारे हाथों द्वारा लिखा हुआ मात्र 499 रुपये में आपको मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आणविक ठोस की, आणविक ठोस है क्या, ठीक है। चलिए, ये तो आपने चार प्रकार क्रिस्टलीय ठोस का देख लिया, तो सबसे पहला जो आणविक ठोस है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, आणविक ठोस होता क्या है, ठीक है। देखिए, वे ठोस जिनके अवयवीकरण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, आप डिफिनीशन अच्छे से देखिए, मैं इसको लिखा नहीं हूँ, आप नोट्स ले लीजिएगा, उसमें मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। देखिए, वे ठोस जिनके अवयवीकरण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। अब अणु होने का मतलब, अणु मतलब आप समझते ही हो, लाइक आई टू, देखिए लाइक अणु कहने का मतलब कि जैसे आई टू, एच टू या एसओ टू, ये सब अणु के रूप में है, ठीक है। लाइक इसमें देखिए एक ही अणु है आई, इसमें भी एक है, ठीक है, इसमें एस और ओ दो हैं, ठीक है, एक एस का एक ओ का, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हम लोग का आणविक ठोस। अब देखिए, ये आणविक ठोस को भी ये कुछ अलग आपको दिखाई दे रहा है और ये कुछ अलग दिखाई दे रहा है, तो इसी के आधार पर इसको भी अलग अलग बांटा गया है, ठीक है। तो देखिए, अब आणविक ठोस को निम्न तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है ध्रुवीय आणविक ठोस, सेकेंड है अध्रुवीय आणविक ठोस, और थर्ड है एच यानी यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, मैंने एच शॉर्ट में लिख दिया, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है, ठीक है। तो आणविक ठोस के तीन प्रकार है, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो चलिए बारी बारी से इनकी भी हम डिफिनीशन देख लेते हैं। सबसे पहला हम लोग का जो आता है वो होता है ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस क्या है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ ध्रुवीय आणविक ठोस क्या है। देखिए, वे ठोस जिनके अणु, ठीक है, वे ठोस जिनके अणु ध्रुवीय सहसंयोजन क्या है, ध्रुवीय सहसंयोजक या संयोजन भी या संयोजक जो भी आप कह लें, वे ठोस जिनके अणु ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाता है, ठीक है। और ध्रुवीय आणविक ठोस में इसका उदाहरण आप लिखोगे, ध्रुवीय आणविक ठोस का मैं बता दूँ कि उदाहरण एग्जाम्पल हो गया एसओ टू, ठीक है, या आप लोग का SO2 हो गया या फिर NH3 हो गया, ये हम लोग का ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण है, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है कि SO2 ये अलग अलग है, इसमें एक मतलब एक पे धन आवेश है, एक पे ऋण आवेश, आपस में एकदम ये मतलब जुड़े हुए हैं अच्छे तरीके से, यानी इनका गलनांक उच्च होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा कि ध्रुवीय आणविक ठोस का गलनांक उच्च होता है, मतलब अगर इसको हम ताप दें तो अधिक ताप इसको गलाने के लिए देगा। और यहीं आप अभी पढ़ेंगे कि अध्रुवीय आणविक ठोस का जो गलनांक होता है वो निम्न होता है,
होता है, ठीक है, यानी काफ़ी नीचा होता है, ठीक है, उसको मतलब कम ताप पे ही गलाया जा सकता है। तो आई होप ध्रुवीय आणविक ठोस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं और अच्छे से परिभाषा पढ़ देता हूँ कि देखिए ध्रुवीय आणविक ठोस क्या है। वे ठोस जिनके अणु ध्रुवीय सहसंयोजन बंधों से आपस में जुड़े होते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे में आप SO2 NH3 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस कि अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है। देखिए अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है, मैं डिफिनेशन आपको बता रहा हूँ। देखिए वे ठोस जिनके अणु अध्रुवीय, केवल यहाँ चेंज कर देना है आपको अध्रुवीय, जहाँ हमने उसमें ध्रुवीय बोल रहे थे इसमें अध्रुवीय कर देना है, ठीक है। वे ठोस जिनके अणु अध्रुवीय सहसंयोजन बंधों से आपस में जुड़े होते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे में आप लोग देख लीजिए I2 हो गया, I2 आप लोग का, या H2 हो गया, या Cl2, ये सब आपके अध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग का I2, H2, Cl2, ये आप लोग के अध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत आते हैं, और ये आपके ध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत आते हैं SO2 NH3। तो आप लोग उदाहरण भी याद कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोग को ध्रुवीय आणविक ठोस और अध्रुवीय आणविक ठोस का डिफिनीशन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर अध्रुवीय आणविक ठोस का डिफिनीशन बता दूँ कि वे ठोस जिनके अणु अध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से आपस में जुड़े होते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाता है, ठीक है। जैसे में H2, I2, Cl2, अध्रुवीय आणविक ठोस आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब हम H आबंधित आणविक ठोस देख लेते हैं। देखिए H आबंधित आणविक ठोस उतना प्रचलन नहीं है इसका, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, आपकी बुक में है तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए H आबंधित आणविक ठोस क्या होता है। देखिए H आबंधित आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें, ठीक है, अणु प्रबल हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। लाइक मैं इसको लिख भी देता हूं क्योंकि मैंने नोट्स में इसको नहीं लिखा है। अगर जिन्होंने नोट्स खरीदा है मेरा, ठीक है, वो लिख लीजिएगा। उन देखिए यहां H मैं लिख रहा हूं, H के जगह पे हाइड्रोजन है, ठीक है। एच आबंधित यानी हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, मैंने H60 में लिख दिया है। तो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, देखिए हाइड्रोजन, देखिए H लिखा हुआ यानी हाइड्रोजन यहाँ है, मैंने 60 में लिख लिया है, ठीक है। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, ठीक है, वे ठोस होते हैं, मैं लिख लेता हूँ, वे ठोस होते हैं, ठीक है, वे ठोस होते हैं जिनमें अणु प्रबल, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जिनमें अणु प्रबल, ठीक है, जिनमें अणु प्रबल आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन आबंध द्वारा। अब केवल आबंध नहीं, हाइड्रोजन आबंध द्वारा। H मैं यहाँ फिर लिख रहा हूँ, यहाँ H लिखने का मतलब हाइड्रोजन है, आप हाइड्रोजन लिखिएगा, H मत लिखिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे मैं आप एग्जाम्पल के तौर पर इसमें H2O, ठीक है, H2O, देखिए ऐसे में H2O, यहाँ पे H है, हमेशा H मतलब इस प्रकार के ठोसों में हमेशा H रहेगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए कि H आबंधित आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें अणु प्रबल हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं या जुड़े होते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप गाइज आपको हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस जो है इसका डिफिनीशन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आणविक ठोस और इनके तीनों प्रकारों का आप लोगों को डिफिनीशन क्लियर हो गया। अब चलिए हम अगला चलते हैं। अगला आप लोगों का आयनिक ठोस है, जो सेकेंड है क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार, वो है आयनिक ठोस। तो देखिए आयनिक ठोस क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आयनिक ठोस क्या होते हैं, तो देखिए और मैं देखिए चलिए छोड़िए उसको, ठीक है। आयनिक ठोस क्या होते हैं, आयनिक ठोस वे ठोस होते हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ थोड़ा कहना चाहता था कुछ, देखिए ध्रुवीय आणविक ठोस जो होते हैं उनका जो गलनांक होता है उच्च होता है, और अध्रुवीय जो होते हैं आणविक ठोस उनका गलनांक जो होता है निम्न होता है। ये आप लोग याद रखिए कि ध्रुवीय आणविक ठोस का जो गलनांक होता है उच्च होता है, मतलब इनको अधिक ताप देने पर ये पिघलते हैं, और अध्रुवीय आणविक ठोस को मतलब कम ही ताप देंगे तो पिघल जाएंगे, ठीक है, यही मैं बताना चाहता था, ठीक है। तो चलिए अब हम आयनिक ठोस पढ़ते हैं। देखिए आयनिक ठोस जो क्रिस्टलीय ठोस का दूसरा प्रकार है उसे पढ़ते हैं। देखिए आयनिक ठोस क्या होता है, सिंपल सा डिफिनीशन मैंने लिखा हुआ है। देखिए आयनिक ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें या जिनके अवयकण आयन होते हैं,
ठीक है, बस इतना आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, कि आयनिक ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण आयन होते हैं, ठीक है। इनमें आगे भी और आप लिख सकते हो लाइक कि इनका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है, ये ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं परंतु गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। आगे भी आप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन आप लोग एग्जाम में ये एक या दो मार्क में इसकी डिफिनेशन पूछता है, इसलिए ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप केवल लिख ये भी लिख दोगे कि आयनिक ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें अवयवी कण आयन होते हैं, और उदाहरण के तौर पर आप लोग NaCl लिख दीजिएगा उसमें, इसमें इसका सबसे अच्छा उदाहरण NaCl है, ठीक है। तो ये आप लोग का पूरा मार्क यहाँ मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग को आयनिक ठोस का डिफिनेशन क्लियर हो गया कि आयनिक ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण आयन होते हैं, उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल के तौर पर NaCl लिख दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए धात्विक ठोस देखते हैं। देखिए धात्विक ठोस क्या होते हैं, तो धात्विक ठोस वे ठोस होते हैं जो धातुओं के गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आप कहीं देखेंगे तो इसका डिफिनेशन अच्छे से नहीं मिलेगा, लेकिन काफ़ी आसान है इसका डिफिनेशन। धात्विक ठोस वे ठोस होते हैं जो धातुओं के गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे चांदी, लोहा, तांबा, ये सब जितनी भी धातुएं हैं आप नाम उनका लिख सकते हो, वो सब धात्विक ठोस के अंतर्गत आती हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को धात्विक ठोस क्लियर हो गया होगा। चलिए अब जो आपका जो अंतिम है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, उसे देख लेते हैं। देखिए सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस क्या होता है, देखिए इसको दो नामों से जानते हैं, एक तो सहसंयोजक ठोस या एक नेटवर्क ठोस, दो नाम हो गया, ठीक है। इसको सीधे आप लोग की बुक में भी लिखा है और मैंने भी लिखा है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, यानी अथवा यानी इसी का नाम है, ठीक है। तो सहसंयोजक ठोस आए अथवा नेटवर्क ठोस आए, अगर एग्जाम में काफ़ी इसी तरह पूछता है कि नेटवर्क ठोस क्या होता है, तो नेटवर्क ठोस यानी सहसंयोजक ठोस या सहसंयोजक ठोस मीन्स नेटवर्क ठोस, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस क्या होता है, देखिए सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस वे ठोस होते हैं जिनके क्रिस्टल जालक परमाणुओं के बने होते हैं, ठीक है दोस्तों, जिनके क्रिस्टल जालक परमाणुओं के बने होते हैं। परमाणु तो आप समझ ही रहे हो, लेकिन जिनके क्रिस्टल जालक, अब यहाँ एक नया शब्द आपको देखने को मिला, क्रिस्टल जालक, ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ क्रिस्टल ये ट है, क्रिस्टल जालक। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्रिस्टल जालक क्या है, ठीक है। एक बार मैं और डिफिनीशन इसका दे देता हूँ कि सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस क्या होते हैं, ठीक है। देखिए सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस वे ठोस होते हैं जिनके क्रिस्टल जालक परमाणुओं के बने होते हैं। अब देखिए क्रिस्टल जालक परमाणुओं के बने होते हैं, अब क्रिस्टल जालक आया नया शब्द इसमें, देखिए इसका उदाहरण आपको हीरा और ग्रेफाइड हो जाएगा, पहले आप इसको क्लियर कर ले, हीरा और ग्रेफाइड, ठीक है। तो आप लोग को इसका डिफिनीशन और उदाहरण के लिए हो गया। अब चलिए हम थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं क्रिस्टल जालक क्या होता है। देखिए आगे अब आपको टॉपिक क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका पढ़ना है, दो चीज़ें मिलेंगी आपको, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका, ठीक है। इसका काफ़ी महत्व है, आगे काफ़ी सारी चीज़ें इस पे आप लोग दोनों मतलब इन दोनों पे आप लोग पढ़ोगे, तो आप लोग बस यहाँ ये याद रखिए कि क्रिस्टल जालक को हम त्रिबीम जालक कहते हैं और एकक कोष्ठिका को हम इकाई सेल भी कहते हैं, ठीक है। मतलब इसके अलग दो नाम हैं अलग अलग, ये इकाई सेल हो गया, एकक कोष्ठिका को हम इकाई सेल भी कहते हैं, और क्रिस्टल जालक को हम त्रिबीम जालक यानी 3D, ठीक है, 3D जालक भी बोलते हैं। केवल यहाँ आप ये याद रखिए, अगला जो ये हम लोग का लेक्चर नंबर सेकंड था, जो लेक्चर नंबर थर्ड होगा उसमें हम क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका के पूरे मतलब इस पे अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरा इसकी डिफिनीशन और जो भी इसको मतलब अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो यहाँ बस ये आप लोग याद रखिए, क्रिस्टल जालक को हम त्रिबीम जालक कहते हैं और एकक कोष्ठिका को इकाई सेल, यानी ये दो दो नाम है इनके, ठीक है, एकक कोष्ठिका कहें या इकाई सेल कहें, क्रिस्टल जालक कहें या त्रिबीम जालक कहें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ दोस्तों अगर आप हमें नोट्स अगर आप हमारा नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, मात्र 499 रुपये में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का हैंड रिटन नोट्स और उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश का पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को भी शेयर करें। तो थैंक यू।